अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 8 की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है द फॉलोइंग डेटा डिस्प्लेज द नंबर ऑफ ड्रॉज ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स के डिफरेंट कैटेगरीज के नंबर ऑफ ड्रॉज ये दिए हुए हैं। नीचे जो डाटा दिया हुआ है वो 35 से लेके 70 तक ये डाटा दिया हुआ है, और ये क्या है, ये बॉन्ड्स के डिफरेंट कैटेगरीज के नंबर ऑफ ड्रॉज हैं। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, हमने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है फॉर द अबव डाटा, जो ऊपर डाटा दिया हुआ है उसके लिए, विथ 7 क्लासेस ऑफ इक्वल साइज एंड क्लास इंटरवल 10। क्लास इंटरवल कितना होना चाहिए, फासला जो होना चाहिए वो 10 का होना चाहिए, और क्लासेस कितनी बनेंगी, 7 क्लासेस बनेंगी। तो देखिए, हमने एक टेबल बनानी है, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोएस्ट वैल्यू लिखेंगे कि इस डाटा में हमारे पास लोएस्ट वैल्यू क्या है। तो जब आप इन डाटा को देखोगे तो आपको लोएस्ट वैल्यू पता चलेगी कि लोएस्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ 35 है, तो यहाँ पे आप 35 लिख दोगे। इसी तरह सबसे बड़ी वैल्यू आपने लिखनी है, जिसको आप हाईएस्ट कहोगे। हाईएस्ट वैल्यू आप देखोगे पूरे डाटा में, तो हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास 99 है, यहाँ पे खड़ा हुआ है। 99 से बड़ी वैल्यू कोई नहीं है, तो हाईएस्ट वैल्यू 99 है। नंबर ऑफ क्लासेस, उसने हमें क्वेश्चन में बता दिया है कि नंबर ऑफ क्लासेस यानी टोटल क्लासेस कितनी बनेंगी, वो उसने हमें क्वेश्चन में बता दिया है कि वो 7 बनेंगी, 7 क्लासेस ऑफ इक्वल साइज, तो यहाँ हम 7 लिख देंगे। अब हमने क्या डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्लास इंटरवल लेते हैं। क्लास इंटरवल जिसमें उसने हमें क्वेश्चन में बता दिया है कि क्लास इंटरवल कितना होना चाहिए, 10 का, और इसी तरह पहला जो कॉलम बनेगा वो क्लास इंटरवल का बनेगा, दूसरा जो कॉलम बनेगा वो टैली मार्क का बनेगा, और तीसरा जो कॉलम बनेगा वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का बनेगा। इस तरह हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। अब क्लास इंटरवल कहाँ से शुरू होगा, सबसे कम जो वैल्यू है वो 35 है, 35 से लेके, क्योंकि क्लास इंटरवल कितना है, 10 का आ रहा है, उसे हमें इक्वल साइज एंड ऑफ क्लास इंटरवल 10, यानी जो फासला है वो 10 का है, यानी 35 से लेके 10 का फासला है, तो 35 से लेके 44 तक ये 10 का फासला आ गया, क्योंकि 35 भी इंक्लूडेड है, शामिल है, और 44 भी इंक्लूडेड है, तो 35 से आप गिनना शुरू करो, 35 को शामिल करो 44 तक, तो ये 10 का क्लास इंटरवल बनता है। उसने हमें क्वेश्चन में बता दिया क्लास इंटरवल 10 है, तो ये टोटल कितनी क्लासेस बनेंगी, टोटल 7 क्लासेस बनेंगी। अब देखें 35 से लेके 44 तक, अब आप इस पूरे डाटा में देखोगे कि 35 से लेके 44 तक वैल्यूज कितनी आई हुई हैं। ये देखें, एक 35 हो गया, इसी तरह आप देखते जाओगे देखते जाओगे देखते जाओगे, आपने 44 तक लेके जाना है कि 35 से लेके 44 तक कितनी वैल्यूज आती हैं। इसी तरह 38 इसी के अंदर आती है, एक वैल्यू 35 हो गई, एक वैल्यू 38 हो गई, और एक वैल्यू 39 हो गई, ये टोटल 3 वैल्यू हैं, तो हम 3 टैली मार्क्स लगाते हैं, ऐसे 3 टैली मार्क्स लगा देते हैं, तो जितने टैली मार्क्स होंगे फ्रीक्वेंसी हमारी 3, हम उतनी ही वैल्यू लिख देंगे। इसी तरह अगली क्या वैल्यू होगी, 44 तक होगी, अब 44 से अगली वैल्यू क्या है, 45 से लेके 54 तक, क्योंकि क्लास इंटरवल 10 का है, उसने क्या है, क्लास इंटरवल 10 एंड इक्वल साइज, तो सबके दरमियान 10 का हमने फासला रखना है। इसी तरह 45 से लेके 54 तक देखोगे कितनी वैल्यूज हैं, 45 ऐसे देखना शुरू करोगे तो टोटल 5 वैल्यूज बनेंगी, तो इसी तरह टैली मार्क लगाओगे, ये 4 वैल्यू आ गई, जब 5 मुकम्मल होती हैं तो इसको हम ऐसे इस तरह कर देते हैं, तो ये हमें कंफर्म हो जाता है कि 5 हो गए, और जितने होते हैं उतनी ही फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ हम 5 लिख देंगे। इसी तरह ये सारा काम यही करना है, 55 से लेके अब कहाँ तक जाएगा, अब 64 तक जाएगा, फिर इसी तरह 65 से लेके 74 तक जाएगा, फिर 75 से लेके 84 तक जाएगा, हमने कहाँ तक जाना है, सबसे बड़ी वैल्यू 99 है, तो इसी तरह जाते रहेंगे,
फिर 85 से लेके कहाँ तक जाएगा, 94 तक जाएगा, आगे भी जाएगा क्योंकि यहाँ 99 है बड़ी वैल्यू। तो आखिरी वैल्यू क्या होगी, तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ की बुक में ताकि आपको और भी आसानी से समझ आ जाए। ये देखें क्लास इंटरवल आपको पास दिया हुआ है, क्लास इंटरवल 35 से 44 तक फ्रीक्वेंसी 3 है, 45 से 54 तक 5 है, आगे 55 से लेके 64 तक वैल्यूज टोटल 8 हैं, फिर 9 है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, और ये टोटल हमारे पास 40 हो गया। तो इसी को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। क्लास इंटरवल उसने हमें दे दिया है कि 10-10 का रखना है, और क्लासेस भी उसने दे दिया है कि टोटल 7 क्लासेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो टोटल 7 क्लासेस बने हैं 10 के इंटरवल से। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, ओके, फिर अल्लाह।